विस्तार से विवरण देते हैं। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का जो है कल्प सूत्र सबसे अहम है, जो मौर्य वंश के पर भी कुछ प्रकाश डालता है, और सबसे अहम है अशोक के अभिलेख। इसके साथ साथ रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी मौर्य वंश के बारे में प्रकाश पड़ता है। अगर हम मृदभांडों की बात करें तो काले पालिश मृदभांड इस समय का खास करके मौर्य युगीन शासन के प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। कुछ आहत सिक्के मिले हैं जिनसे भी हम मौर्य वंश के बारे में इतिहास को समृद्ध बना सकते हैं, कायदे से समझ सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक तरह से मौर्य वंश का संस्थापक था, और जिसके पीछे जो है के दिमाग लग रहा था कौटिल्य का। कौटिल्य का एक नाम उपगुप्त भी है, इनको चाणक्य भी कहते हैं, और अर्थशास्त्र इनकी जो विशुद्ध रूप से राजनीति शास्त्र से संबंधित रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का 305 के आसपास सेलुकस से युद्ध होता है। सेलुकस कौन था? ये यूनानी शासक था, और इस युद्ध का विवरण एपियानुस देता है। युद्ध के विवरण के बारे में एपियानुस, जो इंडो ग्रीक लेखक था, वो देता है और बताता है कि सेलुकस के युद्ध में सेलुकस को इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, और पराजित करने के बाद एक मैत्री संबंध होता है जिसमें आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरेसोनमेरी और इस तरह से चार प्रांत दहेज में सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं और अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, और साथ ही साथ मेगस्थनीज एक राजदूत के रूप में भी यहाँ भेजा जाता है, सेलुकस भेजता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब राज विस्तार को हम अगर समझें तो देखते हैं कि उत्तर में कश्मीर को देखें और नीचे कर्नाटक देख सकते हैं, पूर्व में बंगाल को देख सकते हैं, और पश्चिम में फारस की खाड़ी तक एक विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय को हम कुछ भारतीय साहित्यों से समझ सकते हैं, जैसे महास्थान का अभिलेख मिला है और उसमें जो है बंगाल विजय की बात की गई है। एक और अहम बात है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में, बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों में एक भीषण अकाल पड़ा, और वो अपने भद्रबाहु के साथ जो है राजपाट से विमुख होकर के और दक्षिण वो चला गया, और श्रवण वेगला की पहाड़ियों पे संलेषणा विधि से वो अपने प्राण को त्याग दे दिया। ये संलेषणा विधि क्या है? वास्तव में जैन वांग्मय में, जैन प्रथा में एक तरह से उपवास के तहत प्राण को त्याग देने की प्रथा थी, और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेषणा विधि से अपना, ये मैसूर और कर्नाटक के क्षेत्र में आज भी वो चंद्रगिरी पहाड़ी विद्यमान है, और हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः वो क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाट का हिस्सा रहा होगा। आगे हम देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर बिंदुसार आता है, करीब 298 से 272 बीसी के आसपास बिंदुसार रहता है, और स्ट्रेबो जो यूनानी लेखक था वो बार बार कहता है कि भाई डायमेकस को दूत बना करके मिस्र नरेश टालमी ने इनके दरबार में भेजा। उसी तरह से एथियन लिखता है, यूनानी लेखक है, कि एंटियोकस ने बिंदुसार के बीच में मैत्री संबंध थी, और एंटियोकस ने तीन चीजें बिंदुसार से मांगी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की सीरियाई नरेश सम्राट ने, लेकिन बिंदुसार ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि भारत में दार्शनिक भेजने की कोई प्रथा नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का इंडो यूनानी, खास करके सिकंदर के जो वंशज थे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर, उनसे युद्ध के साथ साथ मैत्री संबंधों से भी साम्राज्य को अपना आगे इन्होंने बढ़ाया, वैवाहिक संबंधों को इन्होंने अहमियत दी, जिससे साम्राज्य में कोई पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से आक्रमण नहीं हुए। आगे हम देखते हैं अशोक को। अशोक खास करके मौर्य वंश का एक सबसे प्रतापी शासक था, इसको हम महान भी कहते हैं, और इसके कालक्रम के बारे में इतिहासकारों में यद्यपि मतभेद है, लेकिन फिर भी हम कलिंग के शिलालेख, खारबेल के कुछ साक्ष्यों से और कुछ समकालीन साहित्य के आधार पर 273 से 232 ईसा पूर्व के आसपास हम अशोक के शासनकाल को मानते हैं। अब समस्या ये आती है कि भाई अशोक के बारे में जैसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ ये बताते हैं कि अशोक जो है मतलब प्रारंभ से ही जो है शैव का समर्थक था, जबकि सिंघली अनुश्रुति में
ये बताया जाता है कि अशोक बचपन से ही बड़ा आताताई था और बहुत ही निरंकुश प्रवृत्ति का था, और बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के बाद जो है इसने धम्म की नीति को स्वीकार किया। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं सिंघली अनुश्रुतियों में कि भाई इसने 99 अपने भाइयों की हत्या करने के बाद शासन को प्राप्त किया। और अशोक के बारे में एक जो पर्याप्त और ऑथेंटिक जानकारी है, वास्तव में टेलीपेंथर ने 1750 के आसपास अशोक के अभिलेखों को खोजा था लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए थे, और 1837 तक जाते जाते जेम्स प्रिंसपे ने इन लेखों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर अशोक के बारे में जो मिथ थे, जो जानकारियों का अभाव था, उसमें पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। पहली पुख्ता प्रमाण तो यह है कि भाई अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा और उद्गलम के लेख से साफ साफ मिल गया, तो प्रमाणिकता उसके स्वयं के अभिलेखों से उसके नाम की होती है। दूसरी चीज कि महाबोधि वंश एवं सारनाथ के अनुसार सत्ता प्राप्त के लिए एक तरह से अशोक ने गृह युद्ध किया, इस बात की पुष्टि महावंश, दीपवंश और सिंघली अनुसूत जैसा करते हैं उसको हम एक समरूपता से देख सकते हैं। तीसरी चीज कि बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पहले अशोक एक तरह से आताताई था, वो अपने भाइयों की ही हत्या किया था, भेरी घोष में वो विश्वास करता था, युद्ध की नीति में वो विश्वास करता था, लेकिन जैसे ही वो जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करता है तो उसके बाद फिर वो जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लेता है। कल्हण जो बात की रचना है, रजत राज तरंगिणी में वो साफ साफ लिखते हैं कि अशोक शिव की उपासक थे, तो दरअसल एक तरह से साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अशोक के किस धर्म का मतावलंबी था इस बारे में मतभेद है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इससे ज्ञात होता है। अब हम देखते हैं कि अशोक के जो तीन तरह के स्मारक मिले हैं, खास करके शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, इनके आधार पर हम अशोक के शासनकाल की पूरी प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। वो किस तरह से अपने प्रजा को राजाज्ञा के माध्यम से, एक सर्कुलेशन के माध्यम से एक निर्देश दे रहा है, और किस तरह से साम्राज्य में प्रशासनिक मशीनरी को लागू कर रहा है, इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रथम पृथक शिलालेख है, उसमें वो पशु बल का निषेध करते हैं और सभी व्यक्तियों से ये अनुरोध करते हैं कि भाई पशु हिंसा कम से कम करें या ना करें, इसके प्रति, इससे लगता है कि वो पशुओं के प्रति दया प्रेम भाव का अशोक में था। तीसरे शिलालेख में वो एक धर्म महापात्र पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और महामात्रों को जो है ये कहते हैं कि हर पांचवें वर्ष वो दौरे पे जाएं और लोगों की पूरी खोज खबर करके उनकी दिनचर्या कैसी चल रही है, समाज और परोपकार के प्रति उनकी आस्था कैसी है, ये सारी चीजें वो लेकर के आवे और रिपोर्ट करें। इसी तरह से 261 के आसपास कलिंग का युद्ध होता है और उस परिणामों के बारे में 13वें शिलालेख में स्पष्ट जानकारी दी गई है। वहां से ये जानकारी मिलती है कि दरअसल कलिंग में व्यापक स्तर पर नरसंहार हुआ। इसी तरह से प्लिनी कलिंग को, अब कलिंग पे युद्ध के पीछे भी एक इतिहासकारों में मत मतांतर है। प्लिनी कहता है कि वो कलिंग व्यापार को नियंत्रित करता था पूर्वी क्षेत्रों के साथ, तो उसी तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि कलिंग में जो है हाथियां पाई जाती थी और उस हाथियों पर नियंत्रण करने के लिए अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया। तो कुल मिलाकर के ये जानकारी हमको वहां से मिलती है। वैसे ही कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारवाकी का नाम मिलता है, जो बृहद स्तर पर दान देने का चलन चलाती है। पृथक शिलालेखों में 5 जो है सीमांत यूनानी राजाओं के नाम है, तो अब यहाँ पर विदेशी राजाओं से उसके क्या संबंध है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है हमको। ये 5 विदेशी राजा जो हैं, राज्य जो हैं, उसमें जैसे अंतियोक की बात करते हैं सीरिया की, तुर्मे की बात करते हैं जो मिस्री शासक थे, उसी तरह से अतकिन की बात की जाती है जो मेसिडोनियन शासक थे, और मग की बात की जाती है जो एपिरिस थे, और उसी तरह से अलिक सुंदर की बात की जाती है जो एक सीमावर्ती राज्य थे जिनसे एक मतलब विदेशी संबंधों की बात अशोक करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इतिहासकारों ने, मैं इस बात को लेकर बड़ा मतभेद है कि क्या अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया,
क्या अशोक की पूरी प्रशासनिक मशीनरी बौद्ध धर्म के अनुपालन में उसके विस्तार में ही लग गई? तो इसके लिए हमें कुछ स्रोतों को भी देखना होगा। पहला तो जैसे बौद्ध अनुश्रुति दिव्या उदान की बात करें तो दिव्या उदान साफ साफ कहता है कि भाई उपगुप्त ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उसके प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। नतीजा क्या निकलता है कि वो 10वें वर्ष में बोध गया जाता है, यात्रा करता है, वो बोध गया जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 20वें वर्ष वो महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जाता है और इसका एक अभिलेखीय साक्ष्य भी है, रुम्मनदेई का अभिलेख। वो लोगों ने जब निवेदन किया तो बुद्ध के प्रति आस्था जताते हुए वहां से उन्होंने करारोपण में एक तरह से कमी कर दी, 1/8 कर दिया। तो एक तरह से आर्थिक पहलू पर भी रुम्मनदेई से प्रकाश पड़ता है। अशोक के बौद्ध होने का सबसे जीता जागता प्रमाण उसका भाबरू का अभिलेख है। भाबरू जो बैराट राजस्थान में पाया गया है उसमें अशोक बुद्ध धम्म शरण, बुद्ध धम्म शरणम गच्छामि की बात करता है। यहां पर वो त्रिरत्न में आस्था प्रकट करता है जो उसी का अभिलेख है। इसी तरह से सांची और सारनाथ के जो लघु लेख हैं उनसे भी हम अशोक के बौद्ध होने के बारे में पुख्ता प्रमाण पाते हैं। हम देखते हैं कि संघ में भेद डालने वालों को अशोक अस्पष्ट रूप से दंडित करने की राजाज्ञा देता है। यहां पर कहीं ना कहीं उसकी प्रगाढ़ आस्था बौद्ध धर्म के प्रति है। और आगे और देखें तो जैसे वो बौद्ध के साथ साथ आजीवक संप्रदाय को कुछ मतलब गुफाएं भी बना करके देता है। प्रसंग आया है कि बराबर की पहाड़ियों में उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनाई और इसमें 4 गुफाओं के नाम भी मिलते हैं, कर्ण चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी का नाम मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घोषित राजधर्म भले न बनाया हो लेकिन अशोक निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखता था और बौद्ध धर्म का प्रभाव उसकी शासन प्रशासन की नीतियों में दृष्टिगोचर होता है। और आगे हम बात करें तो दूसरे और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की वो व्याख्या करता है। वो उसकी धम्म नीति क्या है? इतिहासकारों ने कहा कि चूंकि अशोक का साम्राज्य बहुत विस्तार हो गया था और ऐसे विस्तृत साम्राज्य में जो आज की तरह से सूचना और प्रसारण और परिवहन की ऐसी शैली नहीं थी तो इतने विशाल क्षेत्र पर वो कैसे शासन कर सकता था, तो उसकी एक तरह से नया प्रयोग था और वो प्रयोग था उसका धम्म। उस धम्म की मूल बातें क्या है? माता पिता की सेवा करना चाहिए, दासों नौकरों की प्रति समान भाव रहना चाहिए, पशु हिंसा से परहेज करना चाहिए और श्रमणों के साथ साथ ब्राह्मणों का भी उपहार देने की बात वो करता है। तो हम देखते हैं कि अशोक के धम्म में इतिहासकारों में जो कौतूहल है कि आखिर ये क्या है, तो कौतूहल इस बात को लेकर है कि वो कहीं पूरी तरह से बौद्ध धर्म का अनुयायी था या फिर चुन चुन करके उसने तमाम ऐसी संहिताओं को अपने उस धम्म में शामिल किया जिससे प्रशासनिक एकता को जमीनी स्तर पर तब्दील किया जा सकते है। और फिर वो इससे क्या है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष को वो स्वीकार कर लेता है और 13वें शिलालेख में इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। कलिंग युद्ध के पश्चात वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं। और जबकि ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि वो बौद्ध ग्रंथ जो है इसका ज्यादा महिमा बंधन करते हैं जो उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि अशोक को ब्राह्मण ग्रंथों ने जहां हेय दृष्टि से देखा है वहीं बौद्ध ग्रंथों ने इसकी महिमा मंडन निश्चित रूप से की है। और विद्वानों का मत है कि बौद्ध धर्म के दो रूप थे, एक रूप तो भिक्षुओं का था और दूसरा ब्राह्मणों का था, गृहस्थों के लिए था। तो वास्तव में अशोक का जो धम्म था वो भिक्षु धर्म नहीं था बल्कि गृहस्थ धर्म था। और ये अगर हम एक इसकी समीक्षा करें तो मुझे लगता है कि अशोक का धम्म तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों की उपज था। वो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी जो उसको धम्म की इन मान्यताओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रेरित की? जैसे हम कह सकते हैं कि विशाल साम्राज्य था और उसको संभालने में सैनिक और संयोजन शक्ति के रूप में एक विचारधारा दोनों चीजें होंगी तब उसको संभाल सकते हैं। तो सैनिक शक्ति भी थी और एक विचारधारा का भी उसने अभ्युदय किया और इस विचारधारा के माध्यम से दोनों का संयोजन किया और विशाल साम्राज्य पर वो अपने समय तक पूरा शासन कर सका। अब चूंकि विविधतापूर्ण समाज था
अशोक का साम्राज्य इतना विशाल था और इसमें विविधतापूर्ण समाज था कि इसमें संयोजन के रूप में जो है धम्म को अपनाना, एक राज मशीनरी के रूप में अपनाना लाजमी था। और इसमें अशोक अपने समय तक के लिए सफल भी हो गया। तो एक तरह से विशिष्ट प्रकार की जीवन पद्धति थी धम्म, जिसको अशोक ने राजकाज से जोड़ करके अपने शासन प्रशासन को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि वास्तव में अशोक के बारे में कहा जाता है कि भाई धम्म की नीति को स्वीकार करने से अशोक की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई और कालांतर में जब अशोक के अनुयायी आए तो मौर्य वंश एक तरह से पदन की कगार पर चला गया। और ऐसा मानने वालों में हरिप्रसाद शास्त्री प्रमुख है, जो कहते हैं कि भाई ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। ऐसे ही हेमचंद राय चौधरी हैं, जो खास करके कहते हैं कि इनकी धम्म की नीतियों की वजह से जो है मौर्य साम्राज्य के पतन को गति मिली। ऐसे ही डीडी कौशाम्बी जो है इसके आर्थिक संकट के पक्षों को उभारते हैं और वो कहते हैं कि पूरी राज मशीनरी जो है आर्थिक तंगी से दौड़ से गुजर रही थी और सराउंडिंग एरिया से आर्थिक अधिशेष केंद्र तक नहीं पहुंच रहे थे, इसकी वजह से कालांतर में मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति भी कमजोर होती है और वो पतन के कगार पर चला जाता है। अब ये होता है कि भाई मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। हमने देखा कि 323 से लेकर के 184 बीसी तक मौर्य वंश ने शासन किया और अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से राजाज्ञा जारी करके व्यापक रूप से अपनी जनता पर शासन प्रशासन किया। उसने अपने विदेशी मित्रों के लिए भी आदेश निर्गत किए कि आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है धम्म के प्रति आस्था जतावें। खास करके सत्यपुत्र, केरल पुत्र, चोलचेल राज्यों के प्रति वो ऐसा सर्कुलर जारी करता है, ऐसा पत्र निर्गत करता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हेमचंद राय चौधरी, डीडी कौशाम्बी जैसे विद्वानों ने तमाम कारणों की वजह से मौर्य साम्राज्य के पतन की रूपरेखा स्पष्ट करते हैं और उसी पृष्ठभूमि पर, मौर्य साम्राज्य की ही पृष्ठभूमि पर खास करके तीन देशी राज्यों का उदय होता है छोटे छोटे भागों में। इसमें बृहदत्त जो मौर्य के मतलब अंतिम शासक था, उसके सेनापति पुण्यमूर्त संग ने जो है उसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। यह शुंग वंश 187 से लेकर के 75 बीसी के आसपास की स्थिति में ये उत्तर भारत में शासन करता है और मजे की बात है कि पाटलिपुत्र की जगह पर, मगध की जगह पर विदिशा को केंद्र बनाता है। शुंग वंश के बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मणवादी धर्म को मानने वाले लोग थे, अश्वमेघ का यज्ञ को बड़े बड़े रूप से आयोजित करते थे, अनुष्ठान किया करते थे और बौद्ध ग्रंथ जो है पुण्यमित्र संघ के बारे में तो बहुत मतलब एक तरह से कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास पुण्यमित्र संघ ने किया, मठों का विनाश किया, कहते हैं कि 84,000 स्तूपों का नष्ट कर दिया शुंग वंश ने। तो इन स्रोतों से हम ये तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पूर्व जो बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान था उसकी जगह पर एक तरह से वैदिक व्यवस्था को मानने वाले ब्राह्मणवादी तत्वों का उभार होता है और उन्होंने विदिशा को केंद्र बना करके अपने शासन प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शुंग वंश के शासनकाल के संदर्भ में हमें ध्यान रखनी चाहिए और कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से कि नौवें शासक इनके थे भागभद्र और उनके समय तक्षशिला के यवन शासक जो है एंटियालकीडस का एक दूत हेलियोडोरस भारत आता है और वो विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुण स्तंभ की स्थापना करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहने का आशय यह है कि विदिशा के आसपास के क्षेत्रों में वासुदेव की पूजा का चलन शुरू हो जाता है इस गरुण स्तंभ की स्थापना से, हम ऐसा समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस शुंग वंश के शासनकाल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान होता है, पतंजलि का बहुत योगदान है, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता थे। ऐसे ही मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं वो हम कह सकते हैं कि इस शासनकाल के दरमियान ही इसको अंतिम रूप दिया गया। शुंगकालीन कला को अगर हम देखें तो दरअसल विदिशा में गरुण स्तंभ एक का एक जीता जागता उदाहरण है। भाजा का चैत्य विहार हम देख सकते हैं, शुंगकालीन कला का अद्भुत नमूना है। अजंता का जो नवा चैत्य मंदिर है वो भी शुंगकालीन है और नासिक का कारले चैत्य शुंगकालीन है और मथुरा में यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां मिली हैं वो वास्तव में शुंगकालीन कला के अद्भुत उदाहरण है।
देवभूमि इसका अंतिम शासक था शुंग वंश का, और 72 BC के आसपास इसका पतन होता है, और इसी पृष्ठभूमि पर फिर कण्व वंश का उदय होता है, और ये 75 से लेकर के 30 BC के आसपास शासन करते हैं। इनकी जो शासन का केंद्र था वो कुछ दक्षिण में के हिस्सों को लेकर के खास करके स्थित था, और इसमें वासुदेव और सुशर्मा दो शासकों का नाम आता है। बताते हैं कि शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूमि की हत्या करके उसके अमात्य वासुदेव ने जो है कण्व वंश की नींव डाली, और सुशर्मा इसका जो है अंतिम शासक था। और इसी कण्व वंश के जो पृष्ठभूमि में दक्षिण में आंध सातवाहन का जो तीसरा हमने कहा का देशी राज्य का जो निर्माण हुआ वो आंध सातवाहन था। आंध सातवाहन ने वाहनों ने अपनी जो प्रशासनिक केंद्र बनाया वो एक तरह से प्रतिष्ठान था, और प्रतिष्ठान को राजधानी बना करके जो दक्षिण में था उसको उन्होंने दक्षिणापधीश्वर की उपाधि लिया आंध शासकों ने, और इन्होंने रजत मुद्राएं भी इस उपलक्ष में जारी की। और इसमें प्रमुख शासकों में जैसे शिमुक है, शतकर्णी प्रथम है, गौतमी पुत्र शतकर्णी है, और पुलवामी, ये तीन प्रमुख शासकों के नाम मिलते हैं जो आंध सातवाहन वंश से थे। सतकर्णी के बारे में बताते हैं कि उसने दो विशाल अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसी तरह से गौतमी पुत्र शतकर्णी का शासनकाल 106 से 130 AD के आसपास था। पुलमामी के बारे में बताते हैं कि उसने तो चतुर्णवर्ण व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए बाकायदा उपक्रम जारी किए। अगर हम देखें कि आंध सातवाहन वंश के लोगों का शासकों का व्यापार कहां से होता था, तो हम देखते हैं कि भड़ोच एक प्रमुख बंदरगाह था, और राजाओं के जो नाम है आंध सातवाहन के मात प्रधान है, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी यहाँ पर उसकी माता का नाम है जो टाइटल के रूम में आगे दिखाया जा रहा है, 62 पुत्र पुलमामी, ये दक्षिणेश्वर की उपाधि ले रहा है, यज्ञश्री सतकर्णी, ये जो है एक तरह से मतलब बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहे हैं। और कला के रूप में अगर देखें हम तो चैत्य एवं विहार, कार्ले अमरावती की कला इस आंध सातवाहन कालीन युग का जीता जागता उदाहरण है। और एक जो खास करके छात्र छात्राओं को ध्यान रखना चाहिए कि एक लेखक थे, एक शासक थे हाल, और हाल ने खुद जो है गाथा सप्तशती की रचना की, और उनके दरबार में बृहत कथा का लेखक गुणादि था। वास्तव में ये जीवंत दस्तावेज हैं जो आंध सातवाहन की साहित्य के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। तो हम हाल को एक महत्वपूर्ण शासक और उसके साथ साथ एक तरह से लेखक के रूप में भी हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि मौर्य शासन के समापन के बाद उसी की पृष्ठभूमि पर जो तीन देशी राज्य बने, खास करके सातवाहन के और कण्व के, और सातवाहन के कण के और शुंग के, इन शासकों के अलावा, इन तीन के अलावा कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं जो इस आगे के पूरे कालक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तीन विदेशी आक्रमण कौन है, हमें इसको अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हम इस कालक्रम के इतिहास को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिंदेवन इंडो ग्रीक, ये इंडो ग्रीक कौन थे, जैसा कि अभी पूर्व में मैंने बताया कि सिकंदर के आक्रमण के बाद जो वो वापस चला गया तो उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सेलुकस को छोड़ा, खास करके विजित भारतीय क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में। और सेलुकस के बारे में मैंने अभी चर्चा करी कि सेलुकस का और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, और बाद में फिर मैत्री संबंध में वो तब्दील हो जाता है, और मैत्री संबंधों के बनने के बाद लंबे वक्त तक हिंद यूनानी और मौर्य साम्राज्य के बीच में कोई युद्ध नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता है तो खास करके सेलुकस के जो वंशज थे उनका भारत के प्रति रुझान बढ़ता है और भारत की तरफ आक्रमण वो करते हैं। तो सेलुकस के साम्राज्य के हम देखें दो प्रांत अगर मान लें, एक पर्थिया और बैक्ट्रिया, और बैक्ट्रिया धीरे धीरे वो जब स्वतंत्र हो जाता है, उसका स्वतंत्र संस्थापक जो है डायोनिसस था, तो डायोडोटस था उसका, और यूथीमेडस और डेमेट्रियस तीन शासक बैक्ट्रिया से मिलते हैं। और बताते हैं कि डेमेट्रियस के समय ही भारत विजय हिंद यवन करते हैं,
और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की जो आभा थी वो समाप्त हो रही है और छोटे छोटे राज्यों में खंडित पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का भारत है। ऐसे में बैक्ट्रियन जो ग्रीक थे वो पहले भारत पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण पूर्ण मित्र सुंग के समय पर होते हैं और बताते हैं आक्सस से सिंधु के बीच के क्षेत्र को ये डेमेट्रियस ने जीत लिया। दूसरा शासक इसमें जो डेमेट्रियस ये है, डेमेट्रियस बताते हैं कि उसके जब वो भारत की विजय करता है तो भारत के विजय में उलझे रहने की वजह से उसके अपने स्वयं बैक्ट्रिया राज में एक तरह से गृह युद्ध होता है और वहां पर एक अन्य शासक यूक्रेटाइडिस ने अधिकार कर लिया। अब क्या होता है कि पश्चिमोत्तर भारत में दो योर राज हो गए, इनको हमें ध्यान में रखना है जो खास करके भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अंतर संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमोत्तर भारत के दो यौन राज कौन है? पहला राज्य है यूक्रेटाइडिस जिसकी शाखा राजधानी तक्षशिला थी और बैक्ट्रिया से झेलम तक का शासन इसके दायरे में था, और दूसरा था यूथिमेडस के वंशज जो झेलम से मथुरा तक शासन करते थे और शाकल इनकी राजधानी थी। लेकिन हम देखते हैं 125 बीसी तक आते जाते बैक्ट्रिया से जो उनका मूल स्थान था ये यवन राज्य समाप्त हो गया और उन यवन राज्यों पर बैक्ट्रिया में शकों ने अधिपत्य जमा लिया। बड़े मजेदार बात है कि देखिए कि बैक्ट्रिया के हिंद यवन शासक जैसे जैसे भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर शाकल और इस क्षेत्रों को राज्य बना करके अपना प्रशासन चला रहे हैं तो वो अपने मूल क्षेत्र से बेदखल हो गए और वहां पर जो है शकों ने राज्य स्थापित कर लिया। आगे क्या होता है कि बैक्ट्रिया में यवन शासक करीब 125 बीसी के आसपास शकों ने जो है समाप्त कर दिया और अब यवनों का शासन जो है अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भागों पर भी कायम रहा और शकों को भारत आगमन के पूर्व तक ये शासन करते रहे। इसमें दो तीन नाम हमें महत्वपूर्ण है, जैसे मेनेंडर का नाम सुनते हैं, ये इंडो यूनानी शासक था। स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क जैसे महान विद्वान जो है मेनेंडर का उदाहरण देते हैं और साकल इसकी राजधानी बताते हैं और बताते हैं कि इसके समय पर भारत की सांस्कृतिक व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। एंतियाल कीडस का नाम पड़ता मिलता है जो इंडो ग्रीक शासक था, ये तक्षशिला का केंद्र बनाकर के शासन कर रहा था और शुंग नरेश भागवत के विदिशा दरबार में इसी ने तो हेलियोडोरस को भेजा था और फिर बेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो हिंद यूनानियों का यह प्रभाव यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। हर्मियस का नाम सुनते हैं, ये अंतिम हिंद यवन शासक था करीब 150 से 30 बीसी के आसपास। इसके समय की प्रमुख विशेषता क्या है कि पर्थियन आक्रमण से इस वंश का अंत होता है और पश्चिमोत्तर भारत से 200 वर्षों के हिंद यवन शासन के बाद एक तरह से हिंद यवन शासन का अंत होता है और उसकी जगह पर कौन आ जा रहा है? शक। शकों का भी भारतीय पश्चिम और खास करके गुजरात सौराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में इनके शासन की भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दरअसल खानाबदोशी कबीला था जो यूची जात से संबंधित था और ये सीरिया खास करके बैक्ट्रिया पर ये अधिकार कर लिए थे और पूर्व में ये चाइना के बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान के आसपास ही रहते थे। लेकिन हिंद यवनों के मूल प्रदेश बैक्ट्रिया पर अधिकार करने के बाद वो धीरे धीरे भारत की तरफ रुक गए और अंततः पश्चिमोत्तर भारत में शकों ने यवन सत्ता को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया और यवनों की जगह पर इंडो ग्रीक की जगह पर शक सत्ता की स्थापना हो गई और शकों के चार प्रमुख केंद्र बने प्रशासन के, जिसमें तक्षशिला का नाम सुनते हैं हम, मेउस उसका प्रमुख शासक था। मथुरा की बात करते हैं हम तो यहाँ के शक क्षत्रप जो है करीब 57 बीसी के आसपास तक शासन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय राजा विक्रमादित्य ने 57 बीसी के आसपास शक शासक को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि ली, शक संबत को भी शुरू किया। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के एक एरिया में शकों की जो शाखा थी उसका नेतृत्व नहपान कर रहा था, ये प्रमुख शासक था और माना जाता है कि गौतमी पुत्र शतकर्णी से नहपान का युद्ध भी हुआ था। और मालवा का शासक जो है शकों का सबसे प्रमुख था रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में हमें अभिलेखीय साक्ष्यों से एक मजबूत प्रमाण मिलता है और जूनागढ़ का अभिलेख मिला है करीब 150 एडी के आसपास का, जो रुद्रदामन के प्रशासकीय क्षमता और समाज के प्रति उसकी नीति, झील को निर्माण करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, ये सारी चीजें दिखाते हैं।
शकों की पृष्ठभूमि पर एक अन्य विदेशी आक्रांता है जिनको हम पर्थियन कहेंगे। ये दरअसल तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाते हैं और तक्षशिला को बना करके यहाँ का एक शासक का नाम मिलता है गोंडोफर्निश। करीब 20 से 41 ईस्वी के आसपास ये गोंडोफर्निश शासन था और इसकी प्रमुख बात थी कि खरोष्ठी लिपि में इसका एक लेख मिला है, तख्तेवाही लेख। इसी के समय सेंट थॉमस ईसाई मिशनरीज के रूप में प्रचार करने भारत आया। ये दोनों तथ्य खास करके छात्र छात्राओं को दिमाग में रखना चाहिए कि कालक्रम को ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। भारत में ईसाई मिशनरीज का आगमन हो रहा है सेंट थॉमस का इसी गोंडोफर्निश के समय पर, और खरोष्ठी लिपि में तख्तेवाही लेख मिल रहा है इसका जो भारत की भूमि पर लिख रहा है। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों ने कर दिया। तो हमने ये देखा कि वास्तव में मौर्य साम्राज्य के बाद तीन जो देशी राज्य थे उन्हीं की पृष्ठभूमि पर ये तीन विदेशी आक्रांता क्रमशः आए, जिसमें आपका हिंद यवन थे, हिंद यवन के बाद फिर जो है कर्ण वंश आए, पहलो वंश आए, उसके बाद शक आए, और शकों के बाद जो है पहलो आए, और पहलो के बाद ये कुषाण आ रहे हैं। कुषाण वंश का भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में ये यूची जात की एक शाखा थी और इनका मूल निवास स्थान चाइना का ऊपरी बॉर्डर था, वहां पे ये कबीलाई यूची जात रहती थी और इनकी कई शाखाएं हुई। एक शाखा जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर बैक्ट्रिया की तरफ चली और इन्होंने जो है जीतते हुए आकर के भारतीय क्षेत्रों पर धावा बोल दिया। पेशावर को राजधानी कुषाणों ने बनाया। सबसे प्रमुख विशेषता बात है कि कुषाणों के जो तीन शासक हैं कुजुल कुटफिसस, दिम कुटफिसस और कनिष्क, इन तीन शासकों ने मुद्रा शास्त्र के माध्यम से और साहित्य भी इनके शासनकाल के बारे में पर्याप्त जानकारी देता है। देखा जाए तो पेशावर को इन्होंने राजधानी बनाया कुषाणों ने, और जो रोमन सिक्कों की नकल के आधार पर तांबे के सिक्के डलवाने का काम ये कुजुल कुटफिसस करता है। रोम से प्रभावित जो सिक्के हैं उनकी नकल करके ये कुजुल कुटफिसस पहला शासक था जो भारत में तांबे के सिक्कों को जारी कर रहा है, और यूनानी राजा हार्मियस की आकृति भी अपने सिक्कों पर वो बनाता है। इसका कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यूनानी प्रभाव इस कुजुल कुटफिसस के स्रोतों से हमें दिखता है। बिम कुटफिसस की बात करें तो बिम कुटफिसस महेश्वर की उपाधि लेता है, ऐसे हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। स्वर्ण एवं तांबे के भारी मात्रा में सिक्के चलवाया बिम कुटफिसस ने। यूनानी खरोष्ठी लिपि में लेख लिखवाया उस पे अपने सिक्कों पर बिम कुटफिसस। शिव नंदी त्रिशूल की आकृति को अंकित करवाता है, इससे एक सशक्त प्रमाण मिलता है कि कनिष्क कहीं ना कहीं शैव मतावलंबी था। मतलब कनिष्क के सिक्कों पर धर्म की जो आकृतियां हैं उससे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वास्तव में कनिष्क शैव मतावलंबी था। कनिष्क के बारे में और अगर हम बारीकी से गहराई में पढ़ें तो देखते हैं कि पुरुषपुर यानी पेशावर को राजधानी बनाता है। सारनाथ से कनिष्क का एक लेख प्राप्त हुआ है, ऐसे ही बिहार तथा बंगाल से इसके सिक्के भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं और इनसे जो है कनिष्क के शासन के बारे में पर्याप्त प्रमाण मिलता है। कौशाम्बी से कनिष्क की मुहर प्राप्त हुई है और वहां से उसमें यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि चीन के साथ कनिष्क ने युद्ध किया। परिणामों के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन यह सच है कि चीन के साथ कनिष्क ने युद्ध किया था। कनिष्क की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इन्होंने शक संवत चालू किया। 78 ईसा पूर्व के एडी के आसपास इन्होंने शक संवत चालू किया। कनिष्क ने श्री धर्म पिटक निदान सूत्र में जो है कनिष्क को जो है एक महान शासक बताया गया है, और यहां से पता चलता है कि कनिष्क ने जो है पाटल पुत्र पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद पाटल पुत्र से अश्वघोष को, एक जो लेखक था, बुद्ध के भिक्षा पात्र को और एक अद्भुत मुर्गा पाकर वो संतुष्ट हो गया और इन चीजों को ले जाकर के पेशावर में उसने स्थापित किया। कपिशा में कनिष्क के अधिकार की पुष्टि फुएनसांग भी करता है जो बाद में हर्षवर्धन के समय पर चाइनीज यात्री था जो भारत आता है, उसने अपने विवरण में ये लिख छोड़ा है कि भाई कपिशा पर कनिष्क का शासन था।
बाद के वर्षों में, बाद की रचनाओं में राज तरंगणी एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना है जो बताती है कि कनिष्क ने जो है कनिष्कपुर नगर बसाया। सांची से कनिष्क के संबत में 28 लिखा हुआ मिलता है। अगर शासन प्रशासन की बात करें तो कनिष्क के शासन में देवपुत्र की अवधारणा दिख रही है और ये देवपुत्र की अवधारणा चीनी शासकों से प्रभावित दिख रही है। रोमन अनुकरण पर जो है मृत शासकों की स्मृतियों में मंदिर बनाने की प्रथा इस कुषाण वंश से ही दिख रही है और ये भी कहीं ना कहीं रोमन शासकों के मतलब संपर्क के कारण ये दिख रही है। साम्राज्य में क्षत्रपियों में विभाजन करना ये उनकी प्रमुख विशेषता थी। दंडनायक महादंडनायक जैसे सैनिक पदाधिकारियों की स्थिति को बनाना ये कनिष्क शासन काल की प्रमुख विशेषता थी। अगर हम समाज को देखें तो दरअसल शक कुषाण विदेशी जातियों को खास करके उस समय जो स्मृत ग्रंथ लिखे जा रहे थे उन स्मृतकारों ने इन्हें ब्रात क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया। आप देखिए कि वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो गई थी और इस वर्ण व्यवस्था के दायरे के बाहर भी बहुत सी जातियां थी, लेकिन ये जो बाहर की आक्रांता जातियां थी वो जब यहां पर आ रही है तो स्मृत ग्रंथों में ही इनको ब्रात क्षत्रिय कह दिया गया है। शक कुषाण आदि विदेशी जातियों को कहा गया है। अगर आर्थिक मतलब व्यवस्था को देखें कि इस कुषाण शासन काल में इस आर्थिक सिस्टम कैसे चल रहा था तो हम कह सकते हैं कि भारत मध्य एशिया के और पाश्चात्य व्यापार के मध्य जो है मध्यस्थता का काम इन कुषाण शासकों ने किया। रेशम मार्ग जो सिल्क रूट था वो दरअसल चीन से पश्चिमोत्तर एशिया के बीच में जो रूट जा रहा था, बताते हैं कि कनिष्क का इस पर आधिपत्य था, कनिष्क इस पर नियंत्रण रखता था और इस रूट से चुंगी और टोल टैक्स के रूप में कनिष्क को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक अधिशेष मिलते थे। प्लिनी जो लेखक है वो दरअसल इस युग के बारे में बताता है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। वो साफ साफ बताता है कि भारत से विलासिता और प्रसाधन सामग्री की वस्तुएं रोम को जाती हैं और रोम से भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं भारत को आती हैं। जाहिर तौर पर कुषाण वंश की जो व्यापार वाणिज्य था वो भारत के समृद्ध करने के पक्ष में था, भारत के पक्ष में था। अगर धार्मिक तत्वों की बात करें तो कुषाण शासकों ने जो है अपने सिक्कों के माध्यम से पर्याप्त संकेत छोड़ रखा है धार्मिक गतिविधियों को समझने के लिए इतिहासकारों के लिए। कनिष्क के सिक्कों पर पेशावर लेख से जो है कनिष्क के बौद्ध होने की पुष्टि हो गई है। महायान शाखा से राजपथ का प्रचार होने की बात होती है। कुंडल वन एक ऐसा स्थान था जहां पर कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध संगीत को आयोजित किया। पहले बता चुके हैं आपको राजगृह वैशाली कश्मीर और कुंडल वन। तो इस कुंडल वन की जो बौद्ध संगीत हुई थी चतुर्थ, ये कनिष्क के समय पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर राज्य में स्थिरता रहती है, आर्थिक अधिशेष रहता है, तो जो अन्य शानो शौकत की गतिविधियां हैं, लेखन की गतिविधियां हैं, उनमें इजाफा होता है। कनिष्क के दरबार में भी हम देख सकते हैं कि पार्श्व वशमित्र अश्वघोष नागार्जुन जैसे महान विद्वानों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला है। ये क्या दर्शाता है? वास्तव में ये दर्शाता है कि साम्राज्य स्थिर था, कहीं आक्रमणों का कोई खतरा नहीं था और अधिशेष के बल पर जो है दरबार में इस तरह से बड़े बड़े विद्वान, चाहे पार्श्व हो, वशमित्र हो, अश्वघोष हो, नागार्जुन जैसे विद्वान जो बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने शुद्ध शून्यवाद की अवधारणा को को जन्म दिया, और चरक जैसे चिकित्सा शास्त्री कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो हम कह सकते हैं कि कनिष्क का शासनकाल, कुषाण वंश का शासनकाल भारत ये राज्य के लिए एक स्वर्णिम समय था और सिल्क रूट पर उसका नियंत्रण था और उत्तर पूर्व मतलब उत्तर भारत के साथ साथ पश्चिमोत्तर खास करके अफगानिस्तान और बृहत जो भारतीय राज्य की अवधारणा है वो कनिष्क के समय पर चरितार्थ हो रही है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कनिष्क के बाद हमने एक तरह से तीन चीजें अभी देखा कि शक कुषाण हूण और हूण की बात तो नहीं आया, कुषाणों के बाद जो है एक तरह से अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मौर्योत्तरकालीन राज्य व्यवस्था और प्रशासन कैसे चल रही थी। इस पूरे खास करके मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये जो छोटे छोटे आक्रांताएं इनकी शासन प्रशासन
वाणिज्य व्यापार केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति में क्या कोई बदलाव दिख रहा है या कि वैसे ही चल रहा है, तो हम यहां देखते हैं कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए कुषाण वंश के शासकों ने राजतंत्र में दैवीय तत्वों को समाविष्ट किया। चीनी प्रभाव यहां पर दिख रहा है, देवपुत्र की उपाधि ये लोग ले रहे हैं। रोमन प्रभाव जो है साफ साफ दिख रहा है कि मृत राजाओं की स्मृति में मूर्तियां और मंदिर बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था में भूम अनुदान की प्रथा दिख रही है। आपको बताते चलें कि सातवाहन कालीन जो अभिलेख मिले हैं भूम अनुदान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, और ये प्रथा फिर धीरे धीरे जाते जाते गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक जाते जाते भारत में जो भूम अनुदान की प्रथा है ये बढ़ती चली जाती है, और इसी से सामंतवादी प्रथा का भी उदय होता है। पहले ये भूमदान खास करके विद्वानों को, लेखकों को, दरबारियों को और ब्राह्मणों को, श्रमणों को दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये भूम अनुदान फिर सैनिकों को देना शुरू किया, और फिर उससे लगाव होता है और सामंतवादी तत्वों का उभार दिखने लगता है। इसकी शुरुआत यहाँ पर सातवाहन काल के अभिलेखीय साक्ष्य से होती है। प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया का चलन होता है जैसा मैंने भी बताया, और कनिष्क ने प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। ये सबसे अहम है खास करके मौर्योत्तरकालीन राज व्यवस्था और प्रशासन में। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य इस मायने में कि अफगानिस्तान का पूरा एरिया बैक्ट्रिया तक के क्षेत्र पर कनिष्क का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जो बाद के वर्षों में नहीं दिखता है। तो इसलिए हम कनिष्क के साम्राज्य को अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना में एक अहम पड़ाव देख सकते हैं। वाणिज्य व्यापार की बात करें तो वास्तव में अरिकामेड पूर्वी तट पर इस काल का प्रमुख बंदरगाह था, और भड़ोच जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह था। अगर आयात निर्यात की वस्तुओं को देखें तो जैसे हाथी दांत हो गया और कछुए हो गए, सीपी, मोती और खास करके बहुमूल्य लकड़ियों का यहां से निर्यात होता था, और बदले में रोमन स्वर्ण और चांदी की मुद्राएं भारत आती थी। जाहिर तौर पर वाणिज्य व्यापार भारत के पक्ष में था इस पूरे कालक्रम में। मध्य एशिया और पर्सिया से व्यापार होता था, रेशम मार्ग पर कनिष्क का पूरी तरह से नियंत्रण था। और मजे की बात है कि एक अज्ञात लेखक है जिसने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में वो भारत के तट तक की यात्रा की, और बताता है कि फारस की खाड़ी से भृगु कच्छ तक दासों का व्यापार होता था। ये एक अकेला अज्ञात लेखक है जो खास करके उस युग में दास व्यापार पर एक विवरण लिख छोड़ता है। अगर कला की बात करें तो मौर्योत्तरकालीन कला में कनिष्क के समय पर दो कलाएं विकसित होती हैं, एक गंधार कला और दूसरा मथुरा कला। गंधार कला की अगर विषय वस्तु की हम बात करें तो बौद्ध और बुद्ध से संबंधित निर्माण, महाभनिष्क्रमण, ये सब इसके विषय वस्तु हैं, लेकिन प्रभाव यूनानी है। बुद्ध की मूर्तियों में अपोलो से प्रभावित चित्रांकन किया गया है। तो हमारे कहने का मतलब गंधार कला जो कनिष्क के समय पर शुरू होती है उसकी विषय वस्तु तो बौद्ध है, लेकिन जो कला को उकेरा गया है उस पर यूनानी प्रभाव दिखता है। दूसरा कला का केंद्र मथुरा बना, और जहां पर खैर जैन धर्म के तत्वों से विषय लिए गए और महावीर के विवरणों को इसमें उकेरा गया। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस पूरे मौर्योत्तरकालीन समय में साम्राज्य में कला की उन्नति हो रही है, मूर्ति पूजा का चलन शुरू हो रहा है। आर्थिक जीवन में सबसे बड़ी विशेषता इस युग में हम जब देख पा रहे हैं कि मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व के साथ एक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की शुरुआत हो रही है। घनिष्ठ व्यापारिक संबंध कुषाण कालीन भारत की वाणिज्य व्यवस्था पर व्यापक असर डालते हैं, और स्वर्ण सिक्कों का नियमित प्रचलन शुरू हो चुका है, और उन सिक्कों पर चित्र के माध्यम से और लिखावट के माध्यम से यह शुरुआत कुषाण शासकों ने शुरू किया था। मध्य एशिया का जो व्यापारिक मार्ग गुजर रहा है, मैंने चर्चा करा, जिसको सिल्क रूट कहते हैं, इन पर कुषाणों का अधिकार था। भारत के पक्ष से देखें तो यह बहुत बड़ी चीज थी। आर्कामेड को मैंने बात किया, ऐसे ही भड़ोच जिसको बोरी गाजा बोलते थे, ये दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां से आयात और निर्यात खास करके भारतीय व्यापार का बाह्य देशों के साथ होता था। और पेरिप्लस की मैंने बात किया तो इस रचना से रोमन साम्राज्य के को निर्यात के किए जाने वाले गोल मिर्च की भी बात मिलती है, जिसको यवन प्रिय कहा गया है खास करके इंडो ग्रीक साहित्यों में,
और वो यवन मिर्च काली मिर्च ही है जिसका निर्यात भारत से होता है। और प्लिनी तो बाकायदा इस बात का रोना रोता है कि भारत भारी मात्रा में सोने और चांदी यानी बुलियन आते हैं और यहां से जाता नहीं, माने भारत के पक्ष में व्यापार हो रहा है, भारत की समृद्धि बढ़ रही है, इस बात की ग्लानि प्लिनी प्रकट करता है। इसी तरह देखें तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में ईसा की पहली शताब्दी से व्यापार समुद्री मार्ग से होने लगा था और इससे ये साबित होता है कि समुद्री के साथ साथ जो स्थल मार्ग जिसको सिल्क रूट कहते हैं दोनों का बराबर का रोल था। भड़ोच मौर्योत्तर काल का एक उन्नतशील बंदरगाह था, मसाला एवं लोहे की वस्तुएं खास करके रोमन साम्राज्य को भेजे जाते थे, अभी मैंने बताया सीपी कछुआ ये सारी चीजें होती थी। और स्ट्रैबो क्या लिखता है, स्ट्रैबो लिखता है कि बहुमूल्य रत्नों का एक बड़ा उत्पादक देश बताया भारत को, प्लिनी और स्ट्रैबो दोनों सामूहिक रूप से बताते हैं। इसी तरह से भारत की खाड़ी से भृगु कच्छ के बीच जो है दासों की व्यापार की चर्चा मैंने किया, ये चीजें यहां पर मिलती हैं। आंतरिक व्यापार में एक श्रेणी प्रथा की भी शुरुआत यहां पर दिखती है, गंधिकों की एक श्रेणी की बात आती है जिनका अर्थ है कि जो गंध यानी सुगंधित द्रव्य के विक्रेता थे उनका विवरण आता है और इन्होंने जो है कौशाम्बी के आसपास अपने कुछ सिक्के जारी किए थे। तो इन गंधिकों की श्रेणी से जो है मतलब इसी तरह से मथुरा में जो है साटक लोगों की एक श्रेणी मिलती है, यहां से पता चलता था कि ये श्रेणियां अपना व्यापार करती थी और अपने व्यापार को नियमित करने के लिए अपने कुछ सिक्कों को भी ये चलाती थी जिसको स्टैंप कहते हैं। दूसरी चीज, जब हम कला की बात करते हैं तो वास्तव में अगर देखा जाए तो गंधार और मथुरा कला ये जो मरुत्तरकालीन कला है इसके अद्भुत उदाहरण है। बौद्ध धर्म का प्रभाव साफ तौर पर इस कला में दिखता है क्योंकि मूल विषय वस्तु जो है कला की यहीं से ली गई है और इस शैली में ग्रीक और बौद्ध शैली भी कहा जाता है, यह सबसे बड़ी बात है। कुषाण शैली की वस्तु जो है बौद्ध थी लेकिन इसकी जो बनावट है उसमें अपोलो से प्रभावित दिखते हैं और यूनानी प्रभाव इस पर साफ साफ दिखता है। खास करके जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उनके मुख को ग्रीक देवता के अपोलो के समतुल्य बनाया गया है और इस मूर्तियों का प्रवेश एक तरह से टोगा जैसा है। यहाँ पर क्या है कि यह दरअसल यूनानी प्रभाव भारतीय कला पर इंडो ग्रीक कला पर साफ साफ दिखाई है। बौद्ध सत्तों में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां बनी हैं वो मैत्रेय की बनी है, यह प्रमुख बात है। गंधार कला के अंतर्गत क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा जैसे जो है बुद्ध की मूर्तियां बन रही हैं और इसके पर्याप्त उदाहरण उत्खनन से हमें मिल चुके हैं जो विभिन्न संग्रहालयों में आज भी संरक्षित है, जिससे हम उस अद्भुत कला के नमूने को समझ सकते हैं। मथुरा कला की बात करें तो वास्तव में महावीर की जैन की एक मूर्ति मिली है, मैंने इससे चर्चा किया और यह कला मथुरा शैली मथुरा के आसपास विकसित हुई और इस पर भी कुषाण शासकों का ही प्रसय था। और अगर ओवरऑल दोनों कलाओं की बात करें तो दरअसल गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति जो है मथुरा से ही मिलती है जिसमें बुद्ध के जन्म, अभिषेक, महापरिनिर्वाण, संबोधि और धर्म चक्र प्रवर्तन का चित्रांकन किया गया है, पृष्ठांकन किया गया है खास करके उस मूर्तियों में। और मथुरा के अंतर्गत एक और मूर्ति मिली है जिसको धर्म प्रवर्तन चक्र वाली मुद्रा कहते हैं, इसको भू स्पर्श वाली मुद्रा की मूर्तियों को कहते हैं। और मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है, आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। ये शैली एक तरह से आदर्शवादी है और जबकि गंधार कला की शैली क्या है, गंधार कला की शैली यथार्थवादी है। तो दोनों कैलियों का जो मूलभूत अंतर अगर हम देखें तो जहां मथुरा कला की शैली आदर्शवादी है वहीं गंधार कला की शैली यथार्थवादी है। और इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि वास्तव में मौर्य काल के पश्चात मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत अहम है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनका बृहत साम्राज्य देखा, शिलालेखों के आधार पर इनके साम्राज्य को कैसे नियमित किया जा सकता है, इन चीजों को हमने देखा।
अशोक ने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए किस तरह से एक तरह से धम्म की नीति को का ईजाद किया और विविधतापूर्ण समाज पर अपने समय तक वो शासन कर सका, इन चीजों को हमने देखा। लेकिन बाद में हमने देखा कि अशोक की धम्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था की वजह से एक तरफ जहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो होता है, लेकिन प्रशासनिक गतिविधियां बाद के वर्षों में शिथिल होने लगती हैं और शिथिलता का ये दायरा इतना बढ़ता है कि बाद में मौर्य साम्राज्य का बृहत्तर के समय पर अंत हो जाता है और उस पृष्ठभूमि पर तीन खास करके देशी राज्यों का उदय होता है, जिसमें सातवाहन है और पहलव है और कण्व है। ये जो सातवाहन, ये तीन देशी राज्य हैं, एक तरह से ब्राह्मण धर्म का उभार यहाँ पर दिखता है और गौतमी पुत्र शतकर्णी और ब्राह्मण धर्म और इनके दरबार में तमाम एक तरह से स्मृतियों का लेखन हो रहा है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ विदेशी आक्रमणों की एक दूसरी श्रृंखला भारत पर शुरू हो जाती है। वो श्रृंखला में हमने आपको स्पष्ट किया कि सिकंदर के बाद किस तरह से मेगस्थनी वो सेलुकस वहां रुक गया और सेलुकस के बाद कैसे इंडो ग्रीक जो है बैक्ट्रिया पर शासन करने लगे और वो इंडो ग्रीक के वंशज तब तक शांति से रहे जब तक मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर रहा। लेकिन जैसे मौर्य साम्राज्य की कमजोरी को उन्होंने भापा, 100 सालों के बाद इंडो ग्रीकों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और फिर उनके तमाम नाम हम सुनते हैं, मिनेंडर की नाम सुनते हैं, डेमेट्रियस की नाम सुनते हैं, ये भारत के साथ आते हैं और भारत में जो है एक तरह से व्यापारिक, आर्थिक और सामाजिक अंतर संबंधों पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। इस हिंद यवन की पृष्ठभूमि में ही जब बैक्ट्रिया में वो शक आ जाते हैं और शकों ने वहां से हिंद यवनों को हटा दिया और वो आते हैं भारत के क्षेत्र पर, यहाँ पर शकों का शासन हो जाता है और शकों की पृष्ठभूमि पर ही जो है कुषाण शासक आ जाते हैं और कुषाण शासकों ने एक तरह से बृहत भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें कनिष्क के बारे में हमने देखा, बिम किडफिसस के बारे में देखा, हुबिस के बारे में देखा। कनिष्क को हमने देखा कि किस तरह से वो सिल्क रूट पर नियंत्रण कर रहा है, किस तरह से कनिष्क के दरबार में बड़े बड़े विद्वान और एक तरह से चिकित्सा शास्त्री शोभायमान हो रहे हैं। लेकिन मौर्योत्तर काल में बदलती पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू हो रही है, खास करके सातवाहन कालीन सिक्कों पर जो है भूमि अनुदान के स्पष्ट उल्लेख दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ साथ जो है कनिष्क ने जो है भारतीय कला को बहुत गहरे प्रभावित किया। इस कला में मथुरा और गंधार कला शैली एक अहम हिस्सा है और कनिष्क के बाद फिर धीरे धीरे अब आज के बाद जब हमारा अगला लेक्चर होगा तो हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस प्रशासनिक जो विकेंद्रीकरण अभी तक हुआ मौर्य काल के बाद, फिर से प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू होगी और एक महान गुप्त साम्राज्य का उदय इसी पृष्ठभूमि पर होगा। तो यहाँ पर ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में जो खास करके मौर्योत्तर काल में दिख रहा है उसमें हम देखते हैं कि कुषाणों ने जो है छत्रपीठ प्रणाली की शुरुआत की, कुषाणों ने जो है कला में जो कुछ सीखा है वो कहीं ना कहीं यूनानियों को इंडो ग्रीक के प्रभाव से भारतीय कला को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अपोलो की स्थिति दिख रही है, वाणिज्य व्यापार में बंदरगाहों का महत्वपूर्ण स्थान है और कुषाण शासन काल पूरी तरह से भारतीय वाणिज्य व्यापार के पक्ष में वो चल रहा है और भारतीय वाणिज्य व्यापार समृद्ध हो रहा है। और इस पूरे कालक्रम को खास करके जो विदेशी लेखक हैं, स्ट्रोबो हैं, जस्टिन हैं, प्लूटार्क हैं, अपियानुस हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक है, उनके स्रोत से पर्याप्त सामग्री मिल जाती है और हम इस कालक्रम को इतिहास के रूप में लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में मौर्योत्तर काल खास करके यूनानी और मकदूनियाई प्रभावों को भारतीय शासकों ने जमीन पर तब्दील किया, देवपुत्र की उपाधियां ले रहे हैं, मंदिरों के निर्माण की प्रथा शुरू हो रही है, कला में मथुरा और गंधार शैली की शुरुआत हो रही है और इसी तरह से सिक्कों के ढलाने की प्रथा, सिक्कों पर लेखन की प्रथा, ये सारी चीजें चल रही हैं। आगे इस क्रम को हम और जारी रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।